मेरे सभी प्यारे साधक भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साधक भाई बहनों एवं तंत्र के जिज्ञासुओं, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ श्री गुरु गोरखनाथ का रक्षा मंत्र, जो जागृत तीव्र एवं उग्र है। यह गुरुमुखी सावर रक्षा मंत्र है। अब ये रक्षा मंत्र प्राय आपको बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की विधि जो है वो सब लोगों की अलग अलग होती है। सबकी कार्यशैली और सबकी भाषा कल्चर थोड़ा भिन्न होने के कारण शैली में अवश्यमेव कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। ये अपने आप में पूर्णतया जागृत मंत्र है। गुरु गोरखनाथ के बीज मंत्र की जब उपासना आदमी कर रहा हो और यदि इस रक्षा मंत्र से अपने शरीर को जो है किलित कर ले, तो उसको देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर योगिनी मसाण भूत प्रेत जो चुड़ैल है डायन है, किसी भी तरह की हवा जो है वो चाहे जिन खबीस की क्यों ना हो, वो भी प्राय दूर चली जाती है एवं साधक के निकट नहीं आती। हकीकत में ये जो रक्षा मंत्र होते हैं ये आपके कवच का कार्य करते हैं, आपकी आभा मंडल को ज्वाला से पूर्ण कर देते हैं। ये वैसी ज्वाला नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माओं के लिए ये एक ज्वाला का कार्य करती है। तो साधक भाई बहनों, जैसे हमने जब रामायण में एक जगह तुलसीदास जी बताते हैं, हनुमान जी जब लंका गए सीता जी का पता लगाने के लिए, तब एक जगह प्रसंग आता है कि तृण धर ओट कहत बेदेही सिमर यावदपति परम स्नेही। मित्रों, उसका मतलब ये था, माँ जानकी ने एक सूखे घास का तिनका उठाया और उसकी ओट लेकर के भगवान रामचंद्र को याद करके कहा। वो साधारण दृष्टि में एक छोटा सा तिनका था, लेकिन माँ के सतित्व और माँ के जो भगवान राम के ऊपर पूर्ण विश्वास, उसको एक ऐसे ब्रह्म अस्त्र से भी महाभयंकर, जो सारी सृष्टियों का विनाश कर सके, ऐसी शक्ति का प्रकाट्य वहाँ हो सकता था। तो यदि मंत्र पूरा होगा और आपका विश्वास अधूरा होगा तो वो काम नहीं करेगा। मंत्र, अरे भाई, मंत्र अपने आप में जागृत होते हैं। वाल्मीकि ने मरा मरा बोल करके राम पैदा कर लिया। राम की इतनी तकड़ी उसको पदवी मिल गई, वो मरा मरा बोलते गए वो राम राम हो गया। लेकिन यहाँ वस्तुतः हमारे भावना की कमी आ जाती है, श्रद्धा की कमी आ जाती है। जब दृढ़ संकल्पी और दृढ़ विश्वासी कोई भी साधक किसी साधना पे बैठ जाता है और किसी अनुष्ठान पे बैठ जाता है, तो प्राय उसे सिद्धि मिल ही जाती है। तो ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को नोट कर लेना। और मैं आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कृपया वीडियो व्हाट्सएप या ऑडियो कॉल ना करें। वो मैसेजिंग के लिए, आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। मेरा यह चैनल बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन जब यूट्यूबर्स इतने ठग बढ़ गए कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जिस मंत्र का उन्होंने कभी
ठीक से पढ़ा नहीं होता, उसको भी वो दावा करते हैं कि मैंने किया, मेरे गुरु ने किया, मेरे गुरु भाई ने किया। ऐसे झूठ पखंड वालों ने हिंदुस्तान की इस तंत्र विद्या का भद्दा मजाक बना दिया, तो इसलिए मेरे को यह सब करना पड़ा। और यह रक्षा मंत्र अगर शमशान में भी जाके जपोगे वहाँ भी काम करेगा, ठीक है। गुरु गोरख का बीज मंत्र मैंने पीछे दिया था एक वीडियो में, उस वीडियो से आप ले लेना। और इस चैनल को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना बढ़ा सकते हैं आप, इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, इसके व्यूज़। तो दूसरी बात ये है कि अगर मेरे को मोनेटाइजेशन से होगा ना सब कुछ, तो मैं आप लोगों से कोई ऐसे पैसे पूछे लेने वाला नहीं हूँ। किसी की कोई समस्या हो तो बता देना, हल हो जाएगी मान की अगर इच्छा हुई तो। मंत्र नोट करें, मंत्र डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, उसको याद कीजिएगा। मंत्र वैसे भी नोट कर लो। मंत्र नोट करें, ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर बाजा सिंगी बाजा तरतरी आया गोरखनाथ मीन का पूत मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा यति हनुमंत हमारे पिंड पीछे खड़ा शब्द सांचा पिंड कांचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र है, इसको सबसे पहले होली दिवाली या किसी जो कोई अच्छा पर्व आए उसको आप 1008 बार जप करके सिद्ध कर लेना। और जब यह सिद्ध हो जाए तो कहीं भी कोई दिक्कत हो इसको 21 बार पढ़ करके अपने देह पे फूंक मार लेना, तो आपको भूत प्रेत दानव चुड़ैल यक्ष राक्षस बेताल प्रेत ये सब आप पे कोई निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये देह रक्षा मंत्र है, नहीं तो मंत्र जो है वो मन के जो अंदर की भावना है उसको जिन शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसे मंत्र बोलते हैं। और दूसरी बात ये है, मंत्र से आप अरबों मील दूर बैठे हुए करोड़ों मील दूर बैठे हुए कोई भी काम करवा सकते हो। तो आशा है आप लोगों ने यह मंत्र नोट कर लिया होगा। इस को यदि नोट कर लिया है तो पहले इसको कंठ कर लेना, फिर होली दिवाली या ये सब त्यौहार अगर दूर हो तो आगे नवरात्रि है, चलो अगर त्यौहार ना हो तो आप इसको रवि मंगल किसी भी दिन 1000 जप करके सामने दिया दीपक और जल पात्र रख लेना, धूप दीप जला करके पूर्व की ओर मुख करके तो आप इसको सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करने का भाव ये है कि ये मंत्र तो सिद्ध ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी है अपनी स्पिरिट के साथ अपनी आत्मा के साथ उस चीज़ का संबंध बना देना, जब उसका संबंध आपकी आत्मा से हो जाता है तो फिर वो उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त और अच्छा हो जाता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके ये भी आशा है कि ये मंत्र जो मैंने दिया है ये आपके काम आएगा बहुत अच्छा। और आगे आपको युक्तियाँ और बताऊँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा और कोई जल्दी सी उग्र सी साधना आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मुझे
आज्ञा दीजिए। हाँ, अगर कुछ नहीं समझ आया भाई तो मुझे कमेंट करके बोल देना। नंबर दे रहा हूँ 11 बजे से सुबह के दोपहर 1 बजे तक आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, लेकिन उस नंबर पे कोई कॉल ना करना, ये आपसे निवेदन है।